हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस वीडियोज़ ऑफ कम्युनिकेशन। सो इससे पहले एक वीडियो जिसमें हमने सिलेबस के बारे में और हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, क्या फोकस एरियाज रहने चाहिए, उसके बारे में बात कर चुके हैं। दैट वॉज द वीडियो ऑफ हार्डली 3 मिनट्स। सो उसको आप देख सकते हो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं द सिलेबस और द फास्ट ट्रैक सिलेबस, मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि क्योंकि एग्ज़ाम्स, मिड टर्म एग्ज़ाम्स आर ऑलमोस्ट देयर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी देरी, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, आप सब लोग के लिए कम्युनिकेशन की अपनी अपनी डेफिनेशन होगी। कम्युनिकेशन को अगर वर्ड से देखें ना, तो इंग्लिश में इट इज़ कम्युनिकेशन, हिंदी में इट इज़ संप्रेषण, संप्रेषण। तो दोनों के ही वर्ड्स से अगर इसका मीनिंग निकालें, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो कि दो वर्ड्स से बना है, कम्युनिस और कम्युनिकेयर, जिन दोनों का मतलब होता है टू मेक कॉमन, ठीक है। अब मैं इसको लिंक करूँगी इसके मतलब से, आप पहले सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझिएगा। कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू मेक कॉमन, ठीक है। और संप्रेषण की अगर बात करें, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण। सम का मतलब होता है समान रूप से, और प्रेषण का मतलब होता है प्रेषित करना या भेजना, ठीक है। तो इन योर ओपिनियन, व्हाई वी डू कम्युनिकेशन? मोस्ट ऑफ़ यू विल बी सेइंग कि भाई बातें शेयर करने के लिए, बात पहुंचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड कम्युनिकेशन। बट एक द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, मैं तो बोलूँगी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अब ये देखो, वी टुक दिस एग्जाम्पल इन डेमो क्लास एज वेल। अगर इसको पढ़ेंगे ना, तो सम ऑफ यू विल रीड इट लाइक दिस, यहाँ कॉमा लगा के, रोको मत जाने दो। लेकिन अगर हम इसको जरा सा चेंज कर दें, रोको मत जाने दो, ठीक है। तो अगर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो कम्युनिकेशन का ऐसा बैरियर क्रिएट होता है जिसमें अर्थ का अनर्थ बन जाता है। सो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो इससे आपको यह पता चलेगा, टू मेक कॉमन मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच, और समान रूप से प्रेषित करना मतलब जिस प्रकार से जो प्रेषक है और प्रेषिति है, उन दोनों में समान रूप से प्रेषित होना चाहिए, वो मैसेज कॉमनली अंडरस्टैंड होना चाहिए, कॉमनली सेंड होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है, फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब बैरलो, ये नाम आप सुन लो, रट लो, जो भी कर लो, लो लो, बेरलो, ठीक है। तो बेरलो ट्राई टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एज SR मॉडल। कम्युनिकेशन का सबसे पहला मॉडल कौन सा था? SR मॉडल। तो उसमें बेरलो ने क्या बोला कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, बस ख़त्म। देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दोज आर सेंडर एंड रिसीवर ओनली, बैरलो का ये कहना था। लेकिन लेटर ही रियलाइज, बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दो चीज़ें और हैं, इन्होंने एस और आर में दो चीज़ें और ऐड कर दी, दोज आर मैसेज एंड चैनल, SMCR मॉडल बना दिया बैरलो ने अपने SR मॉडल को, बाद में SMCR मॉडल बना दिया, जिसमें M वॉज मैसेज, C फॉर चैनल। अब ये क्यों ऐड किया भाई? देखो, सेंडर है, सेंडर के माइंड में कुछ आइडिया है, ठीक है, लेकिन हमारे माइंड में भी बहुत आइडियाज चल रहे होते हैं, बट ऑल ऑफ सडन अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम एक बार को रुक जाते हैं कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं या कैसे बोलूं। तो
आपके माइंड में भले ही आइडियाज़ हैं, लेकिन उसको एक मैसेज का फॉर्म देना, वर्ड्स का फॉर्म देना, मैसेज क्रिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सेंडर एक मैसेज क्रिएट करेगा, फिर एक प्रॉपर चैनल सेलेक्ट करेगा जिसके थ्रू से रिसीवर को भेजना है, ठीक है, और रिसीवर के पास लास्ट में पहुँचेगा जो उसे अंडरस्टैंड करेगा। सो बेल्लो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ SR मॉडल। उसके बाद इन्होंने ही अपने इस मॉडल को डेवलप किया विच बिकेम SMCR मॉडल विच स्टैंड्स फॉर सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर, ठीक है। और यही हमारा बेसिक प्रोसेस मॉडल भी है, यही हमारा बेसिक प्रोसेस मॉडल भी है, कौन सा? SMCR मॉडल। अब हर चीज़ के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है कि भाई क्या हो तुम, ठीक है, क्या नेचर है। तो इस नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को, कम्युनिकेशन में कुछ नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन। सिंपल सी बात है, जब हम किसी और इंसान से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, वो भी सोशल पर्सन है, हम भी सोशल पर्सन है, तो एक सोशल इंटरेक्शन है कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, लेट मी जूम इन इट फॉर यू, ठीक है। इट्स अ टू वे प्रोसेस, दोनों साइड से होता है। अगर मैं बस बोलती जा रही हूँ, सामने मुझे फीडबैक ना मिले, या तो दैट इज़ इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन इज़ ओनली इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, नॉट कम्प्लीट, ठीक है। गोल ओरिएंटेड होता है, किसी पर्पस से होता है। अगर मैं अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरा कुछ पर्पस है, आप कम्युनिकेट करेंगे, कुछ पर्पस है, भले ही पर्पस जो है वो टाइम पास है, जब आप गॉसिप कर रहे हो तो उसका पर्पस टाइम पास है, लेकिन कुछ ना कुछ पर्पस होता है ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी क्लास टाइम पास नहीं है, ठीक है, क्लास इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप गॉसिप कर रहे हो, द पर्पस ऑफ दैट गॉसिप, द पर्पस ऑफ दैट कम्युनिकेशन इज़ टाइम पासिंग या जस्ट एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक। क्रिएट अ कॉमन पूल ऑफ आइडियाज़, कॉमन आइडियाज़, कॉमन अंडरस्टैंडिंग सेंडर रिसीवर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म्स अभी हम पढ़ेंगे कि भाई वर्बल, नॉन वर्बल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप, मास, पर्सनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के। लैंग्वेज ऑफ लाइफ, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम खुद से बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे तो किसी और की बात सुन रहे होंगे, शोज देख रहे होंगे, मास कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर विच इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कभी भी एंड नहीं होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, इफ़ यू आर हैविंग सम अदर पॉइंट्स, काइंडली लेट मी नो, ठीक है। उसके लिए आप मैसेज, टेक्स्ट, कुछ भी कर सकते हो। ये फाइल आपको मिल जाएगी कोर्स में ही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, वाई। ऑब्जेक्टिव का आंसर होता है वाई, कि हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी वॉन्ट टू डू कम्युनिकेशन, भाई की लोड है, ठीक। तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात कि अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम अपडेटेड नहीं रहेंगे। तो अपडेटेड रहने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, अगर अभी मैं कम्युनिकेट ना करूँ, बैठ जाऊँ बस यूँ ही, आऊँ और ब्लैंक पेज हो, क्योंकि लिखा हुआ भी तो एक टाइप का कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन, आऊँ और बैठ जाऊँ और 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे बैठे रहूँ, इज़ इट पॉसिबल कि आप इस क्लास में या इस ड्यूरेशन में कुछ लर्न कर पाओगे? नो, इट इज़ नॉट। सो प्रोवाइडिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग नॉलेज, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये होमवर्क करके आना है, या आपको ये करना है, या आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन देना, नॉलेज प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वी कम्प्लीटली नीड कम्युनिकेशन फॉर दैट, ठीक है, ओके। फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप में काम कैसे होगा जब आपस में कम्युनिकेट नहीं होगा, उसके लिए चाहिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए चाहिए, गोल्स के अचीवमेंट्स के लिए चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए क्यों चाहिए भाई, हम खुद ले लेंगे डिसीजन। देखो, आपने बीकॉम करना डिसाइड किया, बट मे बी यू आर क्वाइट कन्फ्यूज कि बीकॉम करें या बीबीए करें या सीए की तरफ जाएं, तो हम बीकॉम सीए करें। सो यू मस्ट हैड टेकन एडवाइसेस फ्रॉम वेरियस पीपल, योर टीचर, योर पेरेंट्स, योर एल्डर सिबलिंग्स या कजन्स, फ्रेंड्स, कि भाई क्या करना चाहिए। तो उनसे भी कम्युनिकेट किया और वो कम्युनिकेशन हेल्प्ड यू टू टेक डिसीजंस, निर्णयन, ठीक है। इसके अलावा जो हमने डेमो में क्लास ली थी कम्युनिकेशन की, उसका PPT भी आपको मिल जाएगा इन कोर्स ओनली, ठीक। कंट्रोल,
कल्चरल प्रमोशन, इंटीग्रेशन एंड सेटिस्फाई नीड ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो आपकी जो नीड होती है ना कि मैं भी कहीं बिलोंग करती हूँ, आई एम हैविंग सम इम्पॉर्टेंस, सम बिलोंगिंग इन सोसाइटी, वो पूरी नहीं हो पाती। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा। सो अगर आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग की नीड को सेटिस्फाई करना है उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन वर्ड आया कहाँ से है, कम्युनिस या कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है टू मेक इट कॉमन। बेरलो वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन मॉडल विच वॉज SR मॉडल, विच स्टैंड फॉर सेंडर एंड रिसीवर। उसके बाद इन्होंने ही अपने मॉडल को डेवलप किया कि SMCR मॉडल बना दिया, जो था सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। इसी को हम बेसिक प्रोसेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वी लुक्ड द नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। होप एवरी पॉइंट इज क्लियर। अगर नहीं है तो मार्क इट एज अ डाउट एंड आस्क मी दैन। ओके ओके, नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने याद रखना है इस ट्रिक से, दैट इज सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हैव यू नोटिस्ड कि भाई हम इसको इसी सीक्वेंस में याद क्यों कर रहे हैं या इसी सीक्वेंस में क्यों पढ़ रहे हैं? तो अगर आपने ध्यान दिया हो कि व्हेन यू वर बॉर्न, वैसे आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आप बहुत छोटे थे, आपको ध्यान का ध्यान नहीं रहा होगा, पर कोई बात नहीं। ठीक है, यू वर बॉर्न विथ अ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज सुनना। सबसे पहली स्किल जो इंसान के अंदर होती है दैट इज सुनना और लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग, लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, वो अभी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद आप धीरे 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 बोलना सीखते हैं। ठीक है, बोलना सीखने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखते हो, CAT, MAT, RAT। ठीक है, उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग। तो इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इसी सीक्वेंस में चलती हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, दीज आर 4 कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये 4 स्किल्स आपके अंदर हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने कभी रेज्यूमे बनाया हो अपना, तो उसमें लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज का सेक्शन आता है उसमें। जैसे आपको, आपने लिखा हिंदी, तो है ना, उसमें रीडिंग नहीं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो स्पीकिंग आती है, रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, ये आपको टिक करना पड़ता है। ठीक है, लिसनिंग आती है, ऐसा तो किसी ने नहीं पूछा ना। ठीक, तो लिसनिंग इज़ योर इनबिल्ड क्वालिटी, जो भगवान जी ने बाय डिफॉल्ट फिट करके भेजी है। ठीक, बाकी 3 स्किल्स आप बाद में एक्वायर करते हो। सुनना या लिसनिंग आपकी सिलेबस की 2nd यूनिट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले एक पर्सन है, ठीक है, जिसको कम्युनिकेट करना है। ठीक, इसके माइंड में कोई आइडिया होगा। ठीक है, ये इस आइडिया को एनकोड करेगा या उसको शब्द देगा, अपने विचारों को शब्द देगा। उसके बाद ये एक मैसेज क्रिएट करेगा। ठीक है, मैसेज क्रिएट करने के बाद ये सोचेगा कि इसको भेजा कैसे जाए। ठीक है, चैनल, ठीक, चैनल पता करने के बाद ये उसको सेंड करेगा। सेंड करने के बाद ये पहुंचेगा रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर, ठीक है, रिसीवर ये है, मान लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, रिसीवर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। वैसे मैंने शायद गर्ल बना दी, तो अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, और फिर वो इसको फीडबैक देगी। अब फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इन दिस सिंपल प्रोसेस यू लर्न द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट वी हैव लर्न जस्ट येट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
नॉर्मली भी यही होता है, आपके माइंड में कुछ आइडिया है, आपने उसको वर्ड्स दिए, अब उसको बोल के बताना है, लिख के बताना है, ये आपके ऊपर है। आपने चैनल डिसाइड किया कि हम भेजेंगे कैसे, अगर लिखा हुआ है तो कैसे भेजेंगे, बोला हुआ है तो कैसे बोलेंगे। फिर वो रिसीवर के पास पहुँचेगा, पहुँचने के बाद वो उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई या रिस्पॉन्स या फीडबैक देगा। ठीक, तो यही आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि ये रहा। जो सबसे पहले सेंडर होता है, जो मैसेज को एनकोड करता है, एनकोड मतलब उसको शब्दों का रूप देना या उसे बनाना, शब्द, साइन, सिंबल कुछ भी हो सकता है, उसको मैसेज बना देता है। ट्रांसमिशन मतलब सेंड करना, ट्रांसफ़र करना, रिसीवर के पास पहुंचता है, जो उसे डिकोड करता है, फिर उसे फीडबैक देता है। ठीक है, दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो वॉट वी हैव लर्नड कि वॉट इज़ कम्युनिकेशन, वॉट वॉज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोसेस। दीज सिक्स टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन जस्ट, यू कैन सी, 15 मिनट्स, 15 एंड हाफ। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, इसके लिए ना हमारे पास एक टर्म आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन के हर स्टेप पर जो चीज़ होनी चाहिए वही हो, कोई बैरियर क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब। और रिसीवर के पास जिस तरह से सेंडर ने जिस पर्पस से भेजा था, उस पर्पस के पास, उस पर्पस से ही रिसीवर के पास पहुँचे, जैसा वो समझाना चाह रहा था वैसा ही समझाए। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिफर्स टू द परफेक्ट कम्युनिकेशन बेसिकली। तो इसके लिए हमें 7 C's और 4 S का ध्यान देना पड़ता है। 7 C's क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्लियर होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कि छोटे थोड़े वर्ड्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा करने के चक्कर में अधूरा छोड़ दो या पूरा करने के चक्कर में बहुत लंबा कर दो। शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, ओके। कंक्रीट होना चाहिए, मतलब रियलिटी जो हम बोलना चाह रहे हैं वही वो कन्वे करें मैसेज। करेक्ट होना चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए। कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। कम्प्लीट होना चाहिए, इंक्लूडेड एवरीथिंग होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि हमें किसी को है ना स्टॉक के लिए वो करना है, हमें किसी से गुड्स मंगवाने हैं, तो हम पहले उसे कोटेशन मांगेंगे, फिर उससे वो आ जाएगा, पूछेंगे कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, आप डिस्काउंट बताओ, फिर वो कुछ भेज देगा, फिर हम कुछ बोलेंगे, तो एक ही लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, इस तरह से लेटर लिखना है। ठीक है, और पोलाइट, प्लेजेंट या पोलाइटली उसे प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। तो दीज 7 C's इफ़ इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वेयर नो बैरियर एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बैरियर और भी रीजन से होते हैं, सिर्फ सेंडर की साइड से नहीं होते हैं। तो सेंडर की साइड से ये चीज़ें अगर हैं तो बैरियर होने के चांसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा 4 S का कंसेप्ट भी है हमारे पास। 4 S क्या बोलता है, उसी वही सब चीज़ें हैं, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी एंड सिंसेरिटी। शॉर्टनेस मतलब वही शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, इफेक्ट डालने वाला होना चाहिए, सिंप्लिसिटी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंसेरिटी ट्रुथ या फॉल्स इंफॉर्मेशन ना होनी चाहिए। सो आई होप एवरीथिंग वॉज गुड टुडे, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सब कुछ समझ में आया होगा आई गेस, अगर नहीं आया है तो अपने डाउट्स को लिखो एंड मुझे बताओ, आई विल सॉल्व इट आउट इन द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग। And this course is available on the app of DNS. You can find DNS on Play Store for these type of courses. Bye bye, take a deep breath, relax, and don't worry about the exams because we are here. Have a nice day, take care, and keep learning.